गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल एंड वेलकम अगेन इन योर मैथ्स क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर प्रीवियस यूनिट डिवीजन। ओके, सो टेक आउट योर मैथ्स बुक एंड लेट्स स्टार्ट विद मी। नाउ बेटा, दिस इज पेज नंबर 107, ओपन पेज नंबर 107। ओके, एंड बेटा टूडे वी विल लर्न हाउ टू डू लॉन्ग डिवीजन मैथड। ओके, टूडे वी लर्न हाउ टू डिवाइड by long division method. Okay, now we will divide 15 by 3. We will divide it by long division method. Okay, so beta, how to do this I will show you. Okay, now beta, when we divide 15 by 3, so beta, we know that 15 is a dividend and 3 is a divisor. यानी कि जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। ओके, और जब हम इसे बेटा डिवीजन फैक्ट में लिखते हैं सो हम कैसे लिखते हैं बेटा 15, ओके, देन डिवाइड का सिंबल, देन 3, ओके, एंड देन बेटा इज इक्वल टू के बाद हमारा आंसर। फाइन बेटा, नाउ बेटा दिस इज द डिविडेंड। And this is the divisor. Okay. Now बेटा, जब हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो वो हमारा कहलाता है डिविजन फैक्ट। ओके, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ डिविजन। ओके, सो बेटा डिविडेंड एंड डिवाइजर, सो 3 5 15, सो दिस इज द आंसर। और ये हमारा क्या होता है बेटा, क्वेश्चेंट। ओके, जब बेटा हम डिवीजन फैक्ट में लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं 15 देन डिवाइड बाय 3। ओके, बट बेटा जब हम इसको लॉन्ग मेथड में करते हैं सो बेटा दिस इज द साइन ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये भी बेटा डिवीजन का ही साइन होता है और यह है बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड का साइन। ओके, सो बेटा यहां पर हम कैसे लिखेंगे डिविडेंड और डिवाइजर को, सो बेटा यहां पर इधर हम लिखेंगे डिवाइजर अपने लेफ्ट साइड में। ओके, और यहाँ पे इसके अंदर इस सिंबल के अंदर हम लिखेंगे डिविडेंड। ओके, सो दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द डिविडेंड। ओके, नाउ बेटा 3 के टेबल में 15 किस नंबर पे आता है, किस पोजीशन पे आता है, 5 पे। 3 5 15, सो वी विल राइट डाउन हियर 5। सो बेटा 3 5 15 एंड दिस इज द क्वेश्चेंट। ओके बेटा, लॉन्ग मेथड में हम जब करते हैं सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन का साइन लगाते हैं, फिर हम अपने लेफ्ट साइड में बेटा डिवाइजर लिखते हैं एंड इस सिंबल के अंदर बेटा हम लिखते हैं डिविडेंड एंड जो हमारा आंसर होता है वो ऊपर जाते हैं हमारा क्वेश्चेंट। ओके, 3 5 15। ओके फाइन बेटा, नाउ बेटा व्हेन वी डिवाइड 6 बाय 2, सो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा डिवीजन फैक्ट में और लॉन्ग डिवीजन मेथड में। ओके, सो बेटा 6 डिविडेंड, देन डिवाइड का सिंबल, देन डिवाइजर 2। ओके, एंड इज इक्वल टू 2 3 6, सो 3 इज द क्वेश्चेंट। फाइन, नाउ बेटा व्हेन वी सॉल्व इट इन लॉन्ग मेथड, सो फर्स्टली वी विल पुट द सिंबल ऑफ डिवीजन लाइक दिस। ओके, इस तरह से हम बेटा डिवीजन का सिंबल लगाएंगे, देन वी विल राइट डाउन हेयर डिवाइजर एंड वी विल राइट डाउन हेयर डिविडेंड। ओके, नाउ बेटा 2 3 6, 2 के टेबल में बेटा 6 कौन सी पोजीशन पे आता है, 3 पे। 2 3 6, 2 के टेबल में बेटा 6 कौन सी पोजीशन पे होता है, 3 नंबर पे, सो 2 3 6। फाइन, नाउ बेटा वी विल सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स, 6 माइनस 6 0, एंड दिस इज कॉल्ड बेटा रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर। ओके, सो बेटा दिस इज द लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन। ओके फाइन बेटा,
Now, beta, we will do the exercise. Okay. So, firstly, we will write down here date. And today is 10th February 2021. And the day is Wednesday. Okay. And this is your classwork. Fine. Now, beta, this is a question. Fill in the blanks. ओके यहाँ पे बेटा डिवीजन करना है हमको, डिवीजन फैक्टर में भी और लॉन्ग मेथड में भी. ओके यहाँ पे लॉन्ग मेथड दिया हुआ है तो यहाँ पे बेटा डिवीजन फैक्ट पूछा है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसको डिवीजन फैक्ट में लिखेंगे. सो वी विल राइट डाउन लाइक फर्स्ट बिग नंबर डिविडेंड, देन साइन ऑफ डिवीजन एंड देन राइट डाउन द डिवाइजर 6. ओके देन वी विल सॉल्व इट. ओके 6 4 24, सो क्वेश्चन इज 4. फाइन बेटा. सो नाउ बेटा दिस इज द डिविडेंड एंड दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द क्वेश्चन. ओके सो वी विल राइट डाउन हियर डिविडेंड 24 एंड डिवाइजर 6 एंड क्वेश्चन 4. ओके सो बेटा कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट. 72 डिवाइड बाय 8. ओके सो फर्स्टली वी विल राइट डाउन हियर 72. ओके देन सिंबल ऑफ डिवीजन देन 8. ओके देन वी विल सॉल्व इट. 8 9 72. 8 के टेबल में बेटा कौन सी पोजीशन पे 72 आता है? 9 पे. सो 8 9 72. ओके सो बेटा दिस इज द डिविडेंड 72 एंड दिस इज द डिवाइजर 8 and this is the quotient 9. Okay beta. And now beta here 6 4 24. Okay agar hum isko long method mein karenge to kaise karenge beta? 6 4 24. Okay and 8 9 72, like this beta. Fine. Now beta turn the next page. Now beta write down the date again. 10th February 2021. Okay and this is the C part. 54 divided by 9. Okay now beta 9 ke table mein 54 kaun si position pe aata hai? 9 6 are 54. So 9 6 are 54. Okay so we will write down like this beta in division fact. 54 divided by 9 is equal to 6. 9 6 are 54. Okay so beta we will write down here 54 dividend and divisor 9 and quotient 6. Okay now beta next question. Okay D part. 40 divided by 5. Okay so beta 5 8 is a 40. 5 8 is a 40. So 40 divided by 5 is equal to 8. Okay, division factor हम कैसे लिखेंगे इसको बेटा? 40 divided by 5 is equal to 8. Okay, so 40 is dividend, 5 is divisor and 8 is quotient. Fine beta? Now beta, do this in homework. Fine, now come on the second question. Solve the division sums and find the quotient. Okay. Now division sentences and division sum. Now beta A part 40 divided by 4. Okay. So 4 tens are 40. So quotient is 10. So we will write down here beta 40 as dividend. Okay. Then 4 tens are 40. Fine. So 10 is the quotient. Fine. Now next beta B part. 48 divided by 8. Okay. So beta 8 ke table mein 48 kaun si position pe aata hai beta? 8 6 is 48. So we will write down here 6. Okay. So this is a beta dividend. This is divisor and this is quotient. So we will write down here 48. Okay, dividend and 8
डिवाइजर. सो बेटा 8 6 48, सो 6 इज अ क्वेश्चेंट. फाइन, लॉन्ग मेथड में बेटा हम कैसे करेंगे इसको, 8 6 48 को हम डिवीजन के सिंबल के अंदर लिखेंगे, 8 डिवाइजर को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ओके, एंड क्वेश्चेंट को ऊपर लिखेंगे. फाइन, नाउ नेक्स्ट बेटा सी पार्ट, 36 डिवाइड बाय 6. सो बेटा 6 6 36, सो 6 इज द क्वेश्चेंट. ओके, नाउ लॉन्ग मेथड में बेटा 36 डिविडेंड एंड 6 डिवाइजर. सो 6 6 बेटा 36, सो 6 इज द क्वेश्चेंट. फाइन, नाउ बेटा डू दिस इन होमवर्क. फाइन, नाउ बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके, यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 8.5. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इन योर मैथ्स बुक. फाइन बेटा, नाउ थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.